तुम बंदी रहो घर यारा, ये हिंदुस्तान है हम सबका। भगाओ कोरोना सारा, खोल आंखें देखो कोरोना से अपनों ने प्राण गंवाए। कोरोना को वश में कर लो, कोरोना को वश में कर लो, जो लौट के फिर ना आए, जो लौट के फिर ना आए। ए मेरे वतन के लोगो, सबकी है जानी बचानी, ये पुलिस डॉक्टर उनकी हमें हिम्मत है बढ़वानी। ए मेरे वतन के लोगो, सबकी है जानी बचानी, ये पुलिस डॉक्टर उनकी हमें हिम्मत है बढ़वानी। जब देश में घुसा करोना, खतरे में पड़ी आबादी, घरों में सब बस जाओ, घरों में सब बस जाओ, कोरोना से न जान गवानी, कोई घर से न बाहर जाना, जंग कोरोना से है जितानी। जो शासन चला रहे उनकी जरा हिम्मत है बढ़वानी। इस देश में मने दिवाली नहीं करनी, लाशों की होली। जब हम बैठे घरों में, जब हम बैठे घरों में, नहीं पुलिस डॉक्टर खाली, ये पुलिस डॉक्टर अपने है, धन्य उनकी कहानी। जो अलग है घर से उनकी जरा हिम्मत है बढ़वानी। कोई जात न जाने करोना, कोई जात न जाने करोना, आया जीव को मरवाने, आया जीव को मरवाने। कोरोना से लड़ने जो लाश गिरी धरती पर, वो लाश है मानव जाति। जो बाधित है उनकी जरा हिम्मत है बढ़वानी। छोड़ पुलिस डॉक्टर सपने, नहीं रुके हैं घर में अपने, एक जीव बचाने बसे हैं मौत के संग में। कोरोना को हराते हराते, कोरोना को हराते हराते, तुम खुद से हार न जाना। कोरोना को हराते हराते,
तुम खुद से हार न जाना। सब सेवक सब अधिकारी, सब सेवक सब अधिकारी करुणा से सब लड़ते हैं, करुणा से सब लड़ते हैं। सब मंत्री प्रधान मंत्री सबने है मन में ठानी, सब लड़ रहे हैं उनकी जरा हिम्मत है बड़वानी। तुम भूल न जाना किसान को, सब उसकी है मेहरबानी। जो लड़ रहे घाटे में उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय जवान की सेना, जय हिंद जय किसान की सेना, जय हिंद जय सेवक जय अधिकारी जय डॉक्टर जय पुलिस जय सीएम जय पीएम, जय हिंद जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम है विनायक माधवराव शिंदे, मुकाम पोस्ट देवरगांव, तहसील चांदवड, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। पूरी दुनिया में अभी कोरोना ने हाहाकार मचा के रखा है। हमारे हजारों भाइयों की जान जा चुकी है। दुनिया में लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और बचे हुए लोग कोरोना से डरे हुए हैं। पूरी दुनिया मानो थम सी गई है। बहुत से देशों में लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने अपने घरों में मानो क्वारंटाइन हैं। डरना नहीं हमें, साइंटिस्ट इस पर वैक्सीन निकालने में जल्दी से जल्दी सफल जरूर होंगे। बस तब तक हमें कुछ अच्छी दवाई नहीं मिलती है, तब तक हम अपने घरों में बंद रहकर या बाहर जाए तो नियमों का पालन करें और मन में हमें ठान लेते हैं कि हम कोरोना को हराएंगे और हम जीतेंगे। ये जो गीत मैंने गाया वो गीत राष्ट्रभक्ति से जुड़ा गीत है। गायन सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने ये गीत गाया और आज तक ये गीत सब भारतीयों के दिल में बसा है। इसलिए सब भारतीयों के दिल को जोड़ने के लिए मैंने इस गीत के धुन को चुना, जिससे हर भारतवासी के मन मन तक ये गीत पहुंच जाए और राष्ट्रभक्ति जग जाए, अपने देश को इस कोरोना के महासंकट से, इस महामारी से बचाने के लिए सब एकता दिखाएं। सरकार हमें जो नियमों का पालन करने को बोल रही है, हम सब नियमों का पालन करें। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान हो रहा है, मगर जान है तो जहान है। सर सलामत तो पगड़ी 50। हमारे जिंदगी में से कुछ दिन हम रुके हैं, हम थके नहीं हैं, हम कुछ दिन सिर्फ रुके हैं और हम फिर से अपनी जिंदगी को रफ्तार पर ला सकते हैं, मगर हमको सिर्फ अपनी जान बचानी है और सब अब अपनी जान की कीमत समझ गए हैं।
कि दुनिया में बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ अपनी जरूरतें हैं, मगर सबका जो जीवन है वो अमूल्य है। शासन को हम सहयोग करते हैं, शासन के सभी नियमों का पालन करते हैं और फिर से एक बार कोरोना को हम हराएंगे, हम जीत जाएंगे। मैंने जो गीत बढ़ाया और गाया, ए मेरे वतन के लोगों, इस गीत के धुन पर बनाया था। आपको अगर ये गीत पसंद आया है तो आप जरूर जरूर हर भारतवासी तक ये गीत पहुंच जाना चाहिए। इसलिए सभी ग्रुप पर इसकी जो लिंक है वो फॉरवर्ड करें और अपने देश में फिर से एक बार देशभक्ति का माहौल पैदा करने में आप सहयोग करेंगे और कोरोना के संकट से देश को बचाने के लिए सभी भारतवासी एकजुट होंगे। धन्यवाद। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जल्दी से कोरोना पर दवाई मिल जाए और पूरी दुनिया कोरोना के संकट से बच जाए।